डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस एंड जीके। इस बुक में आप सबको पेज नंबर 3131 ओपन करना है। वहां पे आपको कौन सा टॉपिक दिया है बच्चों? यूज ऑफ वाटर, यानी कि पानी का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो बच्चों आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आप सबको तो पता ही है कि वाटर हमारे जीने के लिए बहुत यूजफुल है, और हम वाटर का यूज कौन सी एक्टिविटी के लिए करते हैं बच्चों, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। देखो, फर्स्ट है ड्रिंकिंग, यानी कि हम लोग वाटर का यूज ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए करते हैं। हम भी वाटर पीते हैं और सारे एनिमल्स बर्ड्स उसे भी पानी पीने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट यूज यहाँ पे कौन सा है बच्चों? ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए। नेक्स्ट है बाथिंग यानी कि नहाने के लिए। बच्चों हम हर रोज नहाते हो ना, तो उससे हम किसका यूज करते हैं? वाटर का। तो उसमें भी वाटर का यूज होता है, तो बाथिंग यानी कि नहाने के लिए भी वाटर का यूज होता है। यहाँ पे आपको एलिफेंट का पिक्चर भी दिया है, तो सारे एनिमल्स भी नहाते हैं तो वो भी पानी का यूज करते हैं। तो ये सेकंड यूज हुआ। उसके बाद क्या है? वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने में भी पानी का यूज होता है, वो भी आप सबको पता होगा बच्चों, कपड़े धोने में भी पानी का यूज होता है। नेक्स्ट है कुकिंग यानी कि खाना बनाने में, खाना बनाने के लिए भी वाटर का यूज होता है। नेक्स्ट है वाटरिंग प्लांट्स यानी कि हर रोज हमें प्लांट्स को भी पानी चाहिए, और हम अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं दे तो वो मुरझा जाते हैं, इसीलिए सारे प्लांट्स को भी वाटर यानी कि पानी की जरूरत होती है, तो उसमें भी पानी का यूज होता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग यानी कि घर की साफ सफाई करने के लिए भी पानी का यूज होता है। घर की साफ सफाई करने में, बर्तन साफ करने में वगैरह में वाटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? टू पुट आउट फायर यानी कि जब कभी कहीं पे भी आग लगी हो तो फिर वहां पे आग बुझाने के लिए भी वाटर का यूज होता है, वो भी आप सबको पता है बच्चों। अगर कहीं पे आग लगे तो हम उस पर पानी डाले तो वो बुझ जाती है, तो पानी बुझाने में के लिए भी वाटर का यूज होता है। नेक्स्ट है फार्मिंग यानी कि खेती करने के लिए भी पानी का यूज होता है, वो भी आप सब ने बच्चों, अगर आप गांव पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि हमने जो भी फसल उगाई है उसको हमें पानी देते रहना चाहिए, तो फार्मिंग के लिए भी पानी का यूज होता है। तो बच्चों कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए उसमें वाटर का यूज होता है? ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए, बाथिंग यानी कि नहाने के लिए पानी का यूज होता है, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने के लिए पानी का यूज होता है, कुकिंग यानी कि खाना बनाने में भी पानी का यूज होता है, वॉटरिंग प्लांट्स सारे प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है, क्लीनिंग यानी कि घर की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई वगैरह की साफ सफाई करने में भी पानी का यूज होता है, क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई में भी पानी का यूज होता है, टू पुट आउट फायर यानी कि फायर यानी कि आग को बुझाने के लिए भी पानी का यूज होता है, और फार्मिंग यानी कि खेती करने में भी वाटर का यूज होता है। बच्चों नीचे हमें क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेरियस यूज ऑफ वाटर। बच्चों अभी हमने वाटर के डिफरेंट यूजेस के बारे में सीखा, तो वाटर इज यूज्ड फॉर, उसमें से आप यहाँ पे कोई भी यूज लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो नीड वाटर टू लिव। बच्चों किसके लिए जीने की जरूरत पानी है, उसमें क्या आंसर आएगा? बच्चों ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। बच्चों सारे लिविंग बींग्स यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उसे जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है बच्चों? ह्यूमन बींग्स, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो उन सबको जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? यूज ऑफ वाटर यानी कि हम वाटर का यूज डिफरेंट किस एक्टिविटी में करते हैं उसके बारे में सीखा। तो ये आप सबको घर पे भी रिविजन करते रहना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।